नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। यूपी में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 25 मई से शुरू हो रहे इस आयोजन में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी के साथ ही लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी के खेल निदेशक आरपी सिंह ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 208 विश्वविद्यालयों में 4,700 से ज़्यादा खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। यूपी पहुँचे हैं 25 मई से 3 जून तक नोएडा, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में 21 खेलों का आयोजन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के जो भी विश्वविद्यालय गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी 208 विश्वविद्यालय की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 4,900 के लगभग खिलाड़ी, 1,600 के लगभग ऑफिशियल वॉलंटियर्स सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि अभी तक के जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे उसमें नौकायन प्रतिस्पर्धा नहीं था, इस बार नया नौकायन को भी सम्मिलित किया है। बुलंदशहर जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था मरीजों की तकलीफ बढ़ा रही है। आलम यह है कि अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक नहीं है। ऐसे में दीवानदार अपने मरीजों को गोद में उठाकर वार्ड या ओपीडी में ले जाते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच बुलंदशहर जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है जहाँ बुजुर्ग महिला को अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने की वजह से उसका बेटा उन्हें गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जाता नजर आया। अस्पताल में बगैर स्ट्रेचर के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेहतर सुविधाओं और इलाज के को लेकर पहुंचने वाले मरीज अस्पताल में अव्यवस्थाओं का शिकार होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों से लेकर ईमानदारों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि बेटे ने मां को गोद में उठाकर अस्पताल तक लेके गया। जिला अस्पताल में ना स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, इस कारण से काफ़ी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके ईमानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाबू बनारसी दास राजकीय चिकित्सा बुलंदशहर की ये खबर है जहाँ पे ना स्ट्रक्चर है और इसको लेकर मरीज काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, ईमानदार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अस्पताल की ये साफ साफ लापरवाही की वजह से ईमानदारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर संवाददाता बुलंदशहर से इकराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकराम, ये वीडियो बुलंदशहर से सामने आ रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल में स्ट्रेचर ना होने की वजह से उसका बेटा गोद में लेकर अस्पताल के अंदर जाता नजर आ रहा है, पूरा क्या मामला है ये? जी मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर में एक युवक इलाज के लिए अपनी माँ को अस्पताल में लेकर पहुंचा जहाँ उसे स्ट्रेचर ना मिलने के कारण तामेदार बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को गोद में लेकर चिकित्सालय के पास जाना पड़ा। वहीं किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जी इकराम, अस्पताल की इस स्थिति को लेकर क्या आपने वहाँ अस्पताल प्रशासन के लोगों से बात करी है? मैंने मेरी सीएमओ साहब से मेरी बात हुई थी। सीएमओ साहब से मैंने बोला, सर एक अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा जिसमें मरीज को स्टेशन नहीं मिला। सीएमओ साहब ने कहा इस वीडियो की जांच की जा रही है, जो जांच में पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इकराम, आप वहां पे खुद मौजूद है, क्या आपको वहां पे स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं नजर आई? जी, इस वीडियो को देखते हुए तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही पाई गई है डॉक्टर कर्मचारियों की। रवि जी, इकराम, क्या ये जानकारी ऊपर बैठे पदाधिकारियों को हुई है इस पे? जी, पदाधिकारियों के संज्ञान में है ये, और जांच के बाद में बता रहे हैं कि कार्रवाई का बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तो जांच ही कर रहे हैं साहब। जी इकराम, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।
गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक सुनील कुमार शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध धार्मिक मजारों के निर्माण को हटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने लिखा कि विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद में विभिन्न स्थानों पर बीते दिनों में अवैध धार्मिक मजारों का निर्माण कराया गया है और इस तरीके से धार्मिक स्थलों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और इस तरीके से निर्माण कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। आता है न जाता है, लेकिन मजार बना दी, मजार की आड़ में मकान बना लिया, मकान की आड़ में दुकान बना लिए। तो ये जो जमीन कब्जाने का धंधा बाजार के बहाने चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और ऐसी तमाम मजारे जो सड़कों के किनारे बीच सड़क में बना दी गई है वो हटनी चाहिए। अभी राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर पुल के मुहाने पर बना दिए फ्लाईओवर के, हिंडन एयरफोर्स की तरफ जाते हैं वहाँ तमाम सड़क पर कब्जा कर लिया है, मेट्रो के नीचे बना दिए। तो ये गलत है और मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस खबर पर संवाददाता प्रवीण मिश्रा गाजियाबाद से हैं। प्रवीण, भाजपा विधायक ने सीएम योगी को पत्र लिखकर एक मामला संज्ञान में दिया जिसमें कहा गया है कि उस पर अवैध मजार बना के उस पर कब्जा किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, पूरा मामला क्या है? जी मनीष, देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद के साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उसमें खास तौर पर तीन मजारों का जिक्र किया गया है जो गाजियाबाद के मेन रोड पर पड़ती हैं। जैसे कि एक मजार जो बताई गई है वो राजनगर से जब इस तरफ गाजियाबाद की तरफ आते हैं तब वो रोड पर पड़ती है, उससे काफी लोगों को दिक्कत होती है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए, क्योंकि रोड जो है वो चौड़ीकरण नहीं हो पाई इस मजार के चक्कर में, हालांकि मजार जो है साफ तौर पे बताया गया है उस मजार में ना तो कोई पूजा करने जाता है, ना ही कोई इबादत पढ़ने जाता है वहां पर, ना ही वहां पर कोई लोग ज्यादा भीड़ दिखती है। तो कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है मजारों का, ये सुनील शर्मा विधायक का कहना है साफ तौर पर, और इनको हटाने को लेकर ये मांग की गई है। साफ तौर पर सबसे पहला जो खत जाता है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का, जो कि विधायक को दिया जाता है, विधायक उस पर पूरा संज्ञान लेते हैं, जिसके बाद अपने लेटर पैड पर जो विधायक का लेटर पैड है उससे सीधे सीएम योगी तक इस खत को भेजा जाता है और इन मजारों को खासतौर पर हटाने की पूरी तरीके से मांग की गई है। क्योंकि इस मजार, क्योंकि जो बताया गया है खासतौर पर वहां पर, हम लोगों ने भी रियलिटी चेक किया है तो वहां पर ना तो कोई भीड़ होती है, ना ही कोई व्यक्ति वहां पर जाता है इबादत करने के लिए, क्योंकि कई ऐसी मजारे बनी है जिनको चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि जो तीन मजारों का जिक्र किया गया है इनसे काफी ट्रैफिक जो है उससे प्रभावित होता है, लोग वहां से निकलना दूभर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों मजारों को हटाने की बात कही गई है। वहीं पर एक राजनगर एक्सटेंशन की तो है, तो वहीं एक करेड़ा हिंडन के पास जब एयरबेस से आते हैं तो वहां पर हिंडन पे यहाँ की योगी आदित्यनाथ खुद अपना वहां पर फ्लाइट उनकी उतरती है, उनका हेलीकॉप्टर उतरता है चौपर, उसके बाद वो दिल्ली के लिए जाते हैं या जहां भी जाना होता है अगर गाजियाबाद उतरे हैं तो वहां से निकलना होता है। एक मजार और बताई गई है जो कि हिंडन रेलवे पुल के पास जो नीचे बनी हुई है अर्थला के पास, हालांकि जब नीचे की तरफ से जाते हैं वहां पर तो वो मजार भी वहां बनी हुई है, वो भी काफी समय से बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब विधायक पूरे मूड में है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से मजारों को लेकर वहां पर हटाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही पहल देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के विधायक ने जिस तरह से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कहीं ना कहीं इन मजारों पे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर साफ तौर पर जता दिया गया कि इन मजारों को हटाया जाए मुख्यमंत्री की तरफ से। जी प्रवीण, इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फतेहपुर जिला अस्पताल में तैनात ईएनटी सर्जन द्वारा अस्पताल में बिजली चले जाने के बाद टॉर्च की रोशनी से इलाज किया जा रहा था, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो जिला अस्पताल के कमरा नंबर 4 का है, जहां अस्पताल में लाइट चली जाने के बाद ईएनटी सर्जन द्वारा टॉर्च की रोशनी से मरीजों को देखते थे। वहीं इस मामले में प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक जीपी शर्मा ने डॉक्टर की गलती मानते हुए बताया कि अस्पताल में 5 से 10 मिनट के लिए बिजली गई थी, लेकिन जनरेटर चालू करा दिया गया था। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वह अपने पास रखे लाइट सिस्टम से मरीजों को देख रहे थे। जब कुछ देर के लिए लाइट गई थी और हालांकि 10-5 मिनट में जो लाइट गई थी हमने जनरेटर से भी कन्फर्म किया है, उन्होंने उनका कहना था कि थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी वो ठीक करके तुरंत चालू कर दी गई है।
हाँ, अगर लाइट में नहीं गई थी तो 10-5 मिनट के लिए डॉक्टर को रोक देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर से भी बात किया है तो उन्होंने ये कहा है कि हम अपने ऑटोस्कोप से, चूँकि उनके पास एक लाइट सिस्टम होता है, उस लाइट सिस्टम से पेशेंट देख रहे थे। हालांकि अगर पूरी तरह से बंद करते तो भीड़ ज़्यादा थी, इसकी वजह से शायद देख रहे थे और उनको नहीं देखना चाहिए था, और अगर देख रहे थे तो थोड़ा सा उनकी तरफ से गलती। यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शामली जिले में तैनात एसडीएम प्रतीक्षा सिंह ऑल इंडिया में 52वीं रैंक आई है। प्रतीक्षा सिंह ने पीसीएस की परीक्षा पास की थी। पिछले साल उन्हें शामली से एसडीएम पद पर तैनाती मिली थी। वह प्रतीक्षा सिंह ने यूपीएससी के 52वां रैंक प्राप्त करने, पूरा परिवार खुशी मना रहा है। उनकी इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा परिवार उनके इसके वजह से बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप पढ़ाई करती हैं, आप क्या आगे क्या करना चाहती हैं? यही UPPACS। आगे आप भी प्रतिशत कर, आप भी नाम रोशन करना चाहती हैं गांव समाज का? हाँ, देश देना चाहते हैं, सब ऐसे प्रतीक्षा करें, सब आगे बढ़ें, उसी ऊँचाई पर सब पहुँचे। शुरू से लेकर के अच्छा खाने पीने में क्या उनको क्या सौगती थी? खाने पीने में तो एकदम सिंपल थी वो, आज भी वो है। उनका नेचर स्वभाव सब एकदम सिंपल है, बहुत अच्छी थी। बिजनौर में तेज आंधी तूफान से कई इलाकों में पेड़ गिरने से हादसा हो गया। बता दें कि बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में अमरहेड़ा इलाके में अपनी पत्नी को लेकर ससुराल से घर लौट रहे व्यक्ति की बाइक पर अचानक से एक पेड़ गिर गया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं बाढ़ पूरे क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के कारण चलती गाड़ी के ऊपर एक पेड़ भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसके साथ कार में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जनपद में आए तेज आंधी तूफान के कारण अब तक 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। और ये जो हवा चली वहाँ से इनके साथ ही हादसा हुआ रोड पे, हाईवे पे, अंधेरे से निकलने के बाद ये हादसा हुआ। क्या हुआ? पेड़ गिरा ऊपर से, हाँ, हवा में जब आंधी चली तो हवा में पेड़ गिरा। क्या किसी की मौत हुई? मौत हो गई हमारे बहनों की जी। घायल हमारी बहन ही है, हाँ जी। शाहजहाँपुर में नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत मोबाइल RR यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा ऐसी ही कुछ और मोबाइल यूनिट के साथ नगर के मुख्य स्थलों पर RRR सेंटर के नाम से मिनी MRF बनाने का प्रस्ताव है। RRR सेंटर में लोग अपने गैर ज़रूरी सामान जैसे पुराने जूते, चप्पल, किताब, बोतल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बक्से, अन्य भी सामान जमा कर सकते हैं और ज़रूरतमंद वहाँ से ले जा सकते हैं। बाद में जो सामान यूज़ के लायक नहीं होगा उसे रिसाइकिल किया जाएगा। इस सभी के साथ ही अभियान हमारा 5 जून तक अभी चल रहा है। 5 जून को एक लाइफ स्टाइल डे के रूप में हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करेंगे और उस दिन हम लोग एक व्यापक स्तर पे प्लांटेशन का कार्य करेंगे और ऐसी जगहों पे जहाँ से कि कूड़ा हम लोगों ने निस्तारित किया है उन जगहों पे हम प्लांटेशन करेंगे। पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में इस तरह की गाड़ियाँ जाएंगी और इसके साथ ही साथ हम कुछ परमानेंट सेंटर्स भी RRR सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। नगर निगम शाहजहाँपुर में हम लोग एक कूड़ाधन स्कीम भी, योजना भी लाए हैं, अब उसको भी हम मैक्सिमाइज करेंगे जिससे कि उससे हमारा अधिकतम अच्छा धन हो। तो ये एक अभिनव प्रयास है, नया प्रयास है शहर को कूड़ा मुक्त बनाए रखने के लिए, शहर को में स्वच्छता का, शहर को स्वच्छता का माहौल देने के लिए। कानपुर में निर्माण निगम से रिटायर्ड इंजीनियर से ठग ने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आज कमिश्नर ऑफ ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज की। ADCP मुख्यालय अभियंता
अमिता सिंह ने बताया कि मामले में जांच एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई है। जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिटायर्ड इंजीनियर और उन्होंने पेट्रोल पंप लगाने के लिए बायोडीजल प्लांट लगाने के लिए किसी को ऑन इंटरनेट पे उनसे संपर्क किया और उन्होंने कुछ ठगी करते हुए 420 करते हुए इनसे कुछ हैवी अमाउंट जो कि काफ़ी 1 करोड़ के ऊपर के लगभग का है वो उन्होंने अपने अकाउंट में मंगवाया और कुछ 5-6 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया उसके। इस खबर पर संवाददाता अनिल लम्बा साहब जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड इंजीनियर से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, इस पे ये पूरा मामला क्या है, इस पे अब तक कार्रवाई क्या हुई है, क्या चोरों को अभी तक शिनाख्त हो पाई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि एक रिटायर्ड इंजीनियर था जिसने ऑनलाइन एक नंबर निकाला था, ऑनलाइन नंबर में जिसने पेट्रोल पंप लगाने के लिए बायोडीजल कंपनी के से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने अपने उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा, फोन नहीं उठता था। तो किसी तरीके से जो ये शख्स थे वो वहाँ जबलपुर पहुंचे, जबलपुर जाने के बाद जब पता किया तो पता करने पे पता चला कि ये जो शख्स है वो ऑलरेडी जेल में बंद था और जेल में बंद है। फिर जब 6 महीने बाद वो जेल से छूटा है तो फिर से उन्होंने जब उससे संपर्क किया है तो उसने ये कहा है कि हम धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे लेकिन एक साथ नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये आदमी ये व्यक्ति थे संतुष्ट नहीं थे, इन्होंने कानपुर कमिश्नर से गुहार लगाई है किसी से किसी पे जांच की जाए, जांच करने के बाद जो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। हालांकि कानपुर पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी की जाएगी और जो भी शख्स है उसको गिरफ्तार की जाए, गिरफ्तार करने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। रायबरेली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर अनोखी पहल की शुरुआत की थी। प्रशासन ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया था। डीपीआरओ कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले भर में पानी की समस्याओं से निपटे जाने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन इस इधर रायबरेली जिले के डलमऊ विकासखंड के अंतर्गत दाऊदपुर रामनगर में सैकड़ों की संख्या में पानी पीने से लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण ग्राम प्रधान के द्वारा नल नहीं लगवाया गया, तकरीबन 1 साल से नल बंद पड़ा है हुआ है। इस तरह की गर्मी से सामने लगे भट्टे पर पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। बोर खराब हो गया, ऐसे थोड़ी कमी थी, जाप छूट गई थी तो उसको मिस्त्री बोला करके जो है सही करवाने के लिए लाए थे मिस्त्री, तो वो सही नहीं हो, पता नहीं कैसे नल का थोड़ा छूट गया और इसमें जो है बोर खराब हो गया। तो इसमें बोर खराब होने के कारण ये बालू दे रहा है, पानी नहीं, पानी निकलता इसमें नहीं निकलता, नहीं निकलता है। एक साल हो गई, पार साल अप्रैल में नल का बिगड़ा रहा है, वो अभी तक गड़ नहीं पाया। प्रधान के रोज जाओ आओ कहीं हाँ गड़ जाए और बड़े नहर पर थे मशीन लौटरवा दी, बड़े नहर पर मशीन पानी भरा हुआ, सब इतने जिसी भी सैनी गड्ढा खुदा हुआ पानी भरा हुआ सब कुछ की ना, और फिर नलका हमारा गड़ी नहीं पा रहा, प्रधान नहीं गड़वा दे रहा। कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। गंगा नदी में नहाते वक्त गहरे पानी में पैर फिसलने से हादसा हुआ। बता दें कि किशोर के डूबने की सूचना के बाद स्थानीय मछुआरों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र का रहने वाला था और वो अपने परिवार के साथ कड़ा धाम दर्शन करने के लिए गया था, तभी हादसा हुआ। कालेश्वर घाट में आए श्रद्धालु के बेटे जो है गहरे पानी में चले गए और उनका पैर फिसलने लगा, जब डूबने लगे तो फिर लोगों ने शोर मचाया तो जाते जाते जो है डूब चुके थे और खोजने के बाद जो है हम निशांत विनोद कुमार जी निकाले उनको, हैं वहाँ से लाते लाते यहाँ पर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में आकर के यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब की ओर से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें नदी और शमशान घाट परिसर की सफाई की गई। नदी को स्वच्छ और पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए उपस्थित लोगों की शपथ भी दिलाई गई। रोटरी के सचिव वाहिद अली ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से और स्वच्छता अभियान की दृष्टि से
यहाँ हीरावती नदी पर स्वच्छता अभियान और पेड़ पौधे लगाकर प्राणों को बचाने की दृष्टि से यहाँ पर नगर पालिका और रोटरी क्लब के संयुक्त अभियान के तहत और वन विभाग के सहयोग से यहाँ पौधे भी लगाए गए और स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर स्वच्छता भी किया जा रहा है। डीडीयू जंक्शन पर रेल यात्रियों को बच्चा चोरी रोकने के लिए जागरूक किया गया। लोगों को बचाओ आंदोलन मानवाधिकार समस्या समाधान के प्रति आरपीएफ ने जागरूक किया है। इस दौरान अनजान व्यक्ति से खाने पीने और उसके बहकावे में ना आने की अपील भी की गई। हमारा और भी टीम के साथ आज आपका कार्यक्रम क्या चलाया गया? आज डीडीयू जंक्शन पे वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पे आरपीएफ बचपन बचाओ आंदोलन और मानवाधिकार समस्या एवं सहायता संघ सासाराम द्वारा संयुक्त रूप से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नाबालिग बच्चों को तस्करी रोकने हेतु और बहला फुसलाकर जो ले जाते हैं उनके विरुद्ध सूचना देने के लिए यात्री को जागरूक किया गया। साथ ही यात्रियों को जागरूक किया गया कि जो विकलांग यात्री हैं वही विकलांग कोच में चल रहे हैं और जो महिला यात्री अकेले सफर कर रही हैं वही महिला बोगी में चल रहे हैं, बाहरी कोई भी व्यक्ति न चल रहे हैं उसमें। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 7 दिनों से 2 नवजात बच्चों की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण बच्चों की मौत हो गई है। मृतक बच्चों के पिता सर्वेश ने बताया कि 16 मई को बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान इलाज के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की गई थी। रुपये न देने की वजह से इलाज में लापरवाही की गई। उन्होंने बताया कि इलाज में लापरवाही के कारण बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कब से एडमिट थे बच्चे? 16 तारीख की रात। कितने बच्चे? 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। क्या कारण बताया मौत का? कारण क्या है जी, रात इन्होंने 5,000 रुपये मांगे थे, हमने कही कि हम पे 500 रुपये हैं और वो कहने लगे, वो उनसे मुँह को बात हो गई, बोले जाओ तो जाओ। तो फिर पता ना 11 बजे के बाद इन्होंने क्या करा, अगर कोई परेशानी थी तो रात को कॉल करते और सुबह को फ़ोन करा दिन वाले स्टाफ ने आकर कि तुम्हारे बच्चे दोनों ख़त्म हो गए। अब क्या स्थिति है? अब तो क्या स्थिति है जी, फिर इसे डाल रहे थे क्या फैसला कर लो। रायबरेली में जालसाजों द्वारा एक विधवा महिला की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर गांव के कुछ दबंगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ितों को जब इसकी खबर लगी तो वो चकित रह गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता कामिनी के पति की मौत हो चुकी है, कुछ दिन पहले उसके बेटे की भी मौत हो चुकी है। इसी का फायदा उठाकर दबंगों ने उसकी ज़मीन कब्जा कर ली। पूरे मामले को लेकर पीड़िता डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने संज्ञान लेते हुए क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज को जांच पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। बुलंदशहर में देहात कोतवाली क्षेत्र गांव नीमखेड़ा में सिपाही पति का पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान कांस्टेबल विनोद कुमार ने अपनी पत्नी संगीता को पहले पिटाई की और फिर उसके पैर में गोली मार दी, जिससे घायल हुई सिपाही की पत्नी को हियर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस ने सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने जाने व दूर दराज के श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर रुपए लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बाद भक्तों के लिए आसानी से दर्शन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर में स्पर्श दर्शन का समय भी निर्धारित है, दर्शन पूजन निःशुल्क है। इसी बीच मंदिर में आने वाले दूर दराज के श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर रुपए लेने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राइवेट कर्मियों ने गैर जनपद से आए जाने वाले श्रद्धालुओं के समूह से स्पर्श दर्शन कराने और अंदर लाइन तक पहुंचाने का आश्वासन देकर रकम वसूल ली। वहीं श्रद्धालुओं से पैसे लेकर स्पर्श दर्शन कराने वाले 2 कर्मचारियों को सीईओ की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने के हवाले कर दिया गया। थाने में पूछताछ के दौरान दोनों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सच्चाई कबूल की। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ चौक थाने में केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें काशी विश्वनाथ में ऐसे बहुत से बहरूपिये मौजूद हैं जो कि अवैध वसूली के नाम पर और स्पर्श दर्शन कराने के नाम पर पैसा लेते नजर आए हैं, जिसको लेकर
पकड़ धकड़ हुई है, जिसमें कुछ आरोपी पकड़े गए हैं जिसको पुलिस थाने में ले आकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम TV।